शिवानी कुमारी के घर सोने के कंगन लेकर जाएंगे लव कटारिया, एल्विश यादव को भी लेकर जाएंगे साथ, फैंस भी खुशी से झूम उठे। विशाल पांडे ने कहा मुझे भी लेकर चलना साथ। ग्रैंड फिनाले के बाद लव कटारिया ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान, सना मकबूल भी सुनकर रह गई हैरान। कृतिका अरमान को लग गया सदमा, रणवीर शौरी ने कहा पागल हो गया लोकेश। इसीलिए कहते हैं कि कुछ रिश्ते बनाए नहीं जाते बल्कि अपने आप ही बन जाते हैं, और ये रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से सबसे ज्यादा मजबूत और पवित्र होते हैं। किसी भी रियलिटी शो में बने रिश्ते अक्सर बाहर आने के बाद बदल जाते हैं, लेकिन इस बार के बिग बॉस में कुछ ऐसे रिश्ते बने जो रियल से भी ज्यादा रियल दिखे। बिग बॉस के घर में शिवानी कुमारी और लोकेश कटारिया के बीच जो बॉन्ड था, शायद ऐसा बॉन्ड कई बार रियल के रिश्तों में भी दिखाई नहीं देता। बिग बॉस के अंदर शिवानी, सना मकबूल, विशाल और कटारिया की दोस्ती पूरे सीजन कायम रही, और ये दोस्ती दूसरी टीम यानी कि अरमान एंड फैमिली की आंखों में चुभती रही। लेकिन अब लोकेश कटारिया ने जब से ऐलान किया है कि वो शिवानी के घर सोने के कंगन लेकर जा रहे हैं, शायद अरमान एंड फैमिली को पसंद नहीं आया होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शो के बाहर निकलने के बाद कृतिका मलिक ने कहा था कि शिवानी मुझसे जलती है, लेकिन इस मैडम को कौन ये बात समझाए कि शिवानी से दुनिया प्यार करती है लेकिन तुमसे नफरत करती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कटारिया शिवानी के लिए कब सोने के कंगन लेकर उनके घर जाने वाले हैं। फिल्म विंडो से बात करते हुए लोकेश कटारिया ने बात बताई है। कटारिया ने कहा है बिग बॉस से बाहर आकर जब मैंने अपने घर में माँ से बात की तो मेरी मम्मी ने कहा हम बहुत खुश हैं। इतना ही नहीं, हमको बेटे के साथ साथ शिवानी जैसी एक बेटी भी मिल गई। इस पर रिपोर्टर कटारिया से पूछती हैं, आपका भाई बहन का रिश्ता बहुत पसंद किया गया, शिवानी आपको पूरे शो में भाई कहती रही, क्या आप राखी में शिवानी से मिलने के लिए जा रहे हैं और क्या गिफ्ट लेकर जाएंगे? इसके जवाब में कटारिया कहते हैं शिवानी को मैं राखी में अंगूठी या फिर सोने की चेन दूंगा। इसके बाद लोकेश कटारिया बात करते हुए कहते हैं कि शिवानी ने तो मुझे घर के अंदर ही राखी बांधी थी, वहाँ एक रस्सी थी वो अक्सर उसी से राखी बांध दिया करती थी। हमारा रिश्ता घर के अंदर भाई बहन जैसा था और बाहर भी वैसा ही है, इसलिए रक्षाबंधन में मैं शिवानी के लिए गिफ्ट में 4 सोने के कंगन लेकर जाऊंगा। लोकेश कटारिया और शिवानी कुमारी बिग बॉस के अंदर भी रियल भाई बहन की तरह दिखते थे, और इसका असली उदाहरण तब देखा गया था जब चक्की वाले टास्क में शिवानी ने ही लोकेश कटारिया को बचाया था। दरअसल बिग बॉस ने एक टास्क दिया था जिसमें कहा गया था कि अगर चक्की रुकी तो लोकेश को घर से बाहर कर दिया जाएगा। विशाल और सना ने भी चक्की चलाई, लेकिन शिवानी की वजह से ही तब लोकेश कटारिया बचे थे। कोई भी बहन जिस तरह से भाई के लिए अक्सर दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, उसी तरह से शिवानी भी कटारिया के लिए उस वक्त दीवार बनकर आगे आकर खड़ी हो गई थी। इसके बाद कटारिया ने भी भाई का फर्ज निभाया और बिग बॉस के अंदर और अब बाहर भी वो रिश्ता कायम है। कटारिया ने जब से सोने के 4 कंगन गिफ्ट में देने की बात कही है, शिवानी और कटारिया के फैंस बहुत ज्यादा खुश है। कटारिया एल्विश यादव के सबसे करीबी दोस्त है, ऐसे में एल्विश के साथ ही कटारिया शिवानी के गाँव रक्षाबंधन में राखी बंधवाने जा सकते हैं। इसके साथ ही खबर है कि विशाल और सना मकबूल भी उनके साथ जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद सना मकबूल ने भी कहा है कि नॉमिनेशन की वजह से अगर शिवानी मुझसे नाराज है तो मैं उसे मनाऊंगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। ग्रैंड फिनाले में अनिल कपूर ने भी इन चारों की तारीफ की थी। कटारिया और शिवानी के फैंस इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब प्यार लुटा रहे, लेकिन आपकी राय क्या है कमेंट करके आप जरूर बताएं।